स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप में। तो हम कहाँ पर हैं ये आपको देखकर समझ में आ गया होगा। ये देखो हम लोग आज हैं सहस्त्रधारा में और ये मेरे घर के बहुत नज़दीक है और मैंने इसी जगह को एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने एक्सप्लोर किया है लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग सहस्त्रधारा जाएंगे और यहाँ पर जो जो चीज़ें घूमने लायक है वहाँ आपको घुमाएंगे। यहाँ पर आपको एक गुफा में लेकर जाएंगे जो कि सहस्त्रधारा की बहुत फेमस गुफा है, जहाँ पर से गंधक का जो पानी है वो निकलता है। गंधक का पानी बेसिकली हमारे जो त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं उनमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे हट जाते हैं, दूर होते हैं और काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं वैसे। लेकिन मतलब जहाँ असल में गंधक का पानी मिले, गंधक के पानी की पहचान क्या है? स्मेल आती है उस पानी से वो, या तो उससे जितने भी आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो आइए आपको अपने साथ सहस्त्रधारा घुमाते हैं, क्या क्या करने वाले हैं। अब ठंडा है तो इस वजह से हम लोग पानी में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है। इस वजह से हमने अभी सहस्त्रधारा का ये ब्लॉग शूट करने का सोचा, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है तो आप लोगों के लिए एक नई जगह होनी चाहिए। वैसे नई जगह तो ये नहीं है, पुरानी है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए तो नई जगह है। क्यों? गर्मियों में रिलीफ तो मिलेगा पानी। हाँ, गर्मियों में यहाँ भीड़ भी बहुत होती है और अगर जिस किसी को भी मेरे ऐसे ब्लॉग्स देखने हैं जहाँ पर भीड़ आपको कम मिले वो मेरे पुराने ब्लॉग्स में जा सकता है, जहाँ पर मैंने समर्स के टाइम पे, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आपको, यहाँ पर आप लोग समर्स में जा सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। पहले ये पानी था ना, ये पानी यूं ही बहता था, है ना? ये पानी पहले ऐसे ही तो बहता था, फिर बाद में जाके यहाँ पर ये सीमेंटेड वगैरह बना दिया और इसी कारण इसका लुक थोड़ा सा ऐसा नजर आता है, सुंदर सा। बहुत मजा आता है गाइज यहाँ पर नहाने में। और यहाँ पर देखो शॉप्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है, तो शॉप्स में आपको ट्यूब्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्यूब्स आपको मिल जाएंगी। लोगों को यहाँ पर आके नहाना है तो यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी हैं, लॉकर भी अवेलेबल है इन सारी शॉप्स में। जो ये पीछे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह शॉप्स है ना, यहाँ पर लॉकर भी अवेलेबल होता है और कॉस्ट्यूम्स भी हैं, आप यहाँ से भी कॉस्ट्यूम ले सकते हैं इनकेस अगर आप घर से नहीं लेकर आए हैं नहाने के लिए, और बाकी अपने कॉस्ट्यूम भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हम लोग कॉलेज टाइम पर आते थे, उसके बाद से तो हम लोगों ने आना बंद कर दिया यहाँ पर, लेकिन कॉलेज टाइम पे बहुत मज़ा आता था क्योंकि उसके बाद हमें टाइम भी नहीं मिलता था। और अब तो व्लॉगिंग की दया से हम लोग घूम फिर रहे ही हैं, क्यों? लेकिन यहाँ पर लोगों ने गंदी भी पहुँचा रखी है, वहाँ पर भी कचरा कर रखा, पीछे भी कचरा कर रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो ऊपर 10 रुपये की टिकट ले रहे हैं इनको बोलना चाहिए कि भैया जब तुम 10 रुपये ले रहे हो ग्रामीण के उसके ना विकास के लिए, ग्राम पंचायत के, तो ये सफाई क्यों नहीं करवाते हो, बोलना पड़ेगा। अगर आप सहस्त्रधारा आते हैं और अगर आप यहाँ पर इस पानी में नहीं नहाना चाहते तो ऊपर जॉयलैंड भी है। अगर आप मतलब अपने बच्चों को जॉयलैंड लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं, वाटर पार्क है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसका रास्ता जो है ये इस पुल से है, यहाँ से अभी ये बंद है फिलहाल, तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। ये वाली ये इन होटल्स वगैरह की पार्किंग होगी नहीं, पर पेड पार्किंग नहीं है ना, ये वाली पेड पार्किंग उस साइड को बना रखी है। और यहाँ से ये सहस्त्रधारा रोप वे भी है, देखो ये मैंने पहले व्यू को कभी लेकर गई थी, वो भी ब्लॉग मैंने बनाया था, ऐसे ही बना दिया मतलब स्टार्टिंग में, उसका भी लिंक आपको दूंगी। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं रोप वे से, देखो ये रोप वे से इस पहाड़ी के पीछे है और वहाँ पर गार्डन है, घूमने के लिए है, खाने पीने के लिए है, और साथ में डीजे वहाँ पर बजता है, तो आप वहाँ पर डीजे में डांस कर सकते हैं, बस इतना है वहाँ पर। यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं मतलब अपने लव्ड वंस के लिए, जानने वाले के लिए जो बाहर से आते हैं। अभी अधिकतर शॉप्स जो हैं वो खुली नहीं है, तो इस वजह से अभी यहाँ पर कम भीड़ है। ये अभी अंकल हमें भी बोल रहे थे कि देखेंगे हैंडलूम्स के। वाह यार ये कितना सुंदर लग रहा है ना।
देखो यहाँ पर कैफे है, कितना खूबसूरत सा कैफे है यार, वाह। अभी आगे चलते हैं, हम जा रहे हैं अभी गुफा में, जहाँ गंधक का पानी असल में निकलता है वहाँ से। तो गुड़िया कब आई थी तू आखिर यहाँ पर? बहुत टाइम पहले आई। बाप रे, सांड कैसे देख रहे हैं यार। डरपोक है तू, बता। हाँ, मैं डरपोक हूँ, इसलिए आप साइड हो गए। साइड नहीं, मैं तो अपने रास्ते गई, तू तो दूसरे रास्ते चली गई। अब जगह नहीं थी तो क्या करूँ। ये देखो चेंजिंग रूम हम बोल रहे थे ना, तो ये चेंजिंग रूम है, 10-10 रुपए में आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, और यहाँ पर लॉकर्स भी हैं, अपना सामान भी रख सकते हैं, जब आप नहाएंगे तो अपना सामान भी रख सकते हैं। ये है जॉय लैंड जिसकी हम बात कर रहे थे, बच्चों के लिए जो मतलब वाटर पार्क है, यहाँ पर आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। हालांकि अभी तक मैं व्यू को नहीं लेकर आई हूँ यहाँ पर, लेकिन इस समर्स हम मैं कोशिश करूँगी कि उसको यहाँ पर लेकर आऊँ, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है ना, फिर इसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं कि भीड़ हो रही है, गाड़ी फंस रही है, तो इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए यहाँ पर। तो जिस गुफा की हम बात कर रहे थे, गंधक स्रोत जो है वो यहाँ पर है, ये प्राचीन शिव मंदिर भी है। इसको जो गुफा है उसको द्रोण गुफा बोला जाता है। ये देखो एक आया यहाँ चाय का। सही आवाज़ है, सही है यार। तो गाइज इस गुफा में मैं जाने वाली हूँ, पता नहीं अंदर जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत भयंकर पानी बरस रहा है यार, और ये पूरे गीले हो जाऊँगी तो गाड़ी कैसे चलाऊँगी, बहुत ठंड लगेगी फिर। तो यहाँ पर जो है गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी, और जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी तो वो इन गुफाओं में इन गुफाओं में गए थे, और शिव जी की कृपा से यहाँ पर गंधक का पानी निकलने लगा था, जिससे कि उनको गर्मी से राहत मिली थी। तो आइए आपको लेकर चलती हूँ इस गुफा में। तो ये द्रोण गुफा शिव मंदिर है, ये रास्ता मंदिर के अंदर ही है। ये प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर है, अंदर द्रोण गुफा है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, द्रोण गुफा मंदिर के अंदर है, और दर्शन अवश्य करें। ऐसे लिखा है, प्राकृतिक गुफाओं का रास्ता ये है, यहाँ छोटी बड़ी गुफाएं सारी गुफाएं हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है यहाँ पर, और देखो ये है जो गंधक का पानी है। वाओ यार, अमेजिंग यार, गुड़िया कितना सही लग रहा है यार, आहा, मजेदार लग रहा है बहुत यार, भी तो बहुत मजा आ रहा है देख के यार। तो यार जो ये पानी बरस रहा है ना, ये पता है पानी वैसा भी नहीं बरस रहा, ये जो बूंदे बूंदे बरस रही है ना, ये मतलब बूंद बूंद जो बरस रही है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो गुड़िया, मज़ा आ रहा है ना, भाभी कितनी अच्छी जगह लेके आई है ना, कितनी अच्छी जगह लेकर आई ना भाभी, धन्यवाद आपको बहुत, है ना, कभी नहीं आई ना गुड़िया यहाँ पर, कभी भी नहीं, फर्स्ट टाइम आ गया तो बताओ, ब्लॉगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और लोग पहले भी आ चुके हैं, बताओ कलयुग आ गया, तो सच में ही कलयुग आ गया, यही कलयुग। देखो ये जो ये पानी है ना, तेरे को पता है नहीं, सच में है, कहता है गंधक का पानी, क्योंकि ना
ये देख इसका रंग देख रही है, ये जमा हो गया है यहाँ पर गंधक, ये ग्रीन ये काई नहीं है, ये पत्थर में गंधक जमा हो गया है। यार मेरे तो मन ही नहीं कर रहा कहीं और जाने का, मेरा मन कर रहा है बस इसी को ही देखती रहूं। इतना सुंदर लग रहा है यार, ये क्या करूं, जाना है ना। चलो फिर आगे। कसम से यार, मतलब हम शहजरा इतनी बार आए, मैंने देखा ही नहीं है कभी, पता देखा क्या नहीं, मैं कभी आई ही नहीं इस स्टोर। गुड़िया यार, थैंक यू बोलना चाहिए यार तुझे मुझे कि तू मेरे को ऐसी जगह लेकर आई ना। मतलब सारे व्यू एक तरफ है, ये जो पानी ऊपर से टपक रहा है ना, ये तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तूने पहले ऐसे देखा था इसे कभी? हाँ। देखा था? चल फर्स्ट टाइम आई थी तो इसी जगह आई। अच्छा, ये तो बता दे किसके साथ आई थी? अच्छा, फैमिली मम्मी के साथ। अच्छा, मुझे लगा कि क्या पता। ज्यादा मत लगा करो अपने आप को, है ये खजूर जैसे पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, मतलब पता नहीं किस चीज के होंगे। असली जगह तो यही है यार शहजादा में देखने की, सही में। हाँ सुनिए, तो तू मुझे मत बोल। हर ब्लॉग में गिर जाती हूँ। पिछले ब्लॉग में वो तो मैंने कैप्शन में लिखा नहीं कि हुआ क्या, वो आप लोगों को बता दो कि गुड़िया गिरी थी यहाँ पर दलाई हिल से। मैं चल रही हूँ गिर गई और ये मैडम पीछे देख ही नहीं रही है, चलने लगी यहाँ के। तो ये है गुफा, वाह यार, अगर इस गुफा में जाओगे ना तो गाइस पूरा भीग जाओगे। तो गर्मियों में यहाँ पर आना, ठंडे ठंडे पानी का एहसास लेना गर्मियों में, और उसके बाद कपड़े चेंज करके घर चले जाना, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाते हैं और वहाँ यहाँ से वापस आते हैं। अंदर और भी है? अच्छा, एक तो जूते भी गीले हो जाएंगे ना यार गर्मियों में, तो मैं आऊंगी यहाँ पक्का। रोपवे की मैं बात कर रही थी ना, वो रोपवे से आप जो जाएंगे वो आप यहाँ पर जाएंगे, ये एक पार्क टाइप का है जहाँ पर झूले हैं बच्चों के लिए, पार्क है, गार्डन है, फ्लावर्स हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं और डीजे है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आप डांस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी को भी देखना है यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, मैं अपने ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ अप टू यू कि आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। वाओ, ये चिड़िया का घोंसला कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट सा। पेड़ में सूखी सूखी पत्तियाँ हैं और ये चिड़िया का घोंसला। देखो यहाँ से भी दिख रहा है कि पानी कैसे छर 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 करके बूंदें गिर रही हैं। और यार ये पेड़ मालूम नहीं पड़ पा रहा कि किस चीज़ के पेड़ हैं ये, तो अगर किसी को मालूम है कि किस चीज़ के पेड़ हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है शायद वो नहीं होते, शायद पाम ट्री नहीं होते जंगली वाले, वो है ये। अगर मैं सही हूँ तो यार कमेंट करके बताना ज़रूर कि किस चीज़ के पेड़ है। सुंदर जगह का क्या कचरा बना दिया है ना, कचरा फेंका हुआ है, ये सारे होटल्स वगैरह जो है ना इन सब का कचरा यहाँ पर आ रहा है। तो इनको बोलना चाहिए कि भाई 10-10 रुपए करके तुम लोग दिन भर में कितने पैसे इकट्ठे करते होंगे। 10 नहीं 30 बोल रहे थे, 10 तो मीडिया करके बोल दिया उन्होंने। है? हाँ। बताओ
बुरे हाल हो गए तो बहुत ज्यादा ना। प्रकृति से भरपूर जो जगहें होती है ना, वहाँ पर आने का फायदा यही होता है कि वहाँ पर हमें जगह जगह पे ना व्यूज मिल जाते हैं। अभी सामने वाला व्यू ही देख लो कितना खूबसूरत है, ये जो धूप आ रही है ना आधे पहाड़ से, वाह यार अमेजिंग व्यू। अभी शॉप्स खुल गई हैं वैसे थोड़ी थोड़ी ना। हाँ घूमने तो आएंगे ही। तो अगर आप लोग को ना शहजारा रुकना भी है, जैसे होटल्स वगैरह में भी रुकना है, तो यहाँ पर कम प्राइस में भी रूम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। मतलब ओयोज भी हैं यहाँ पर 800, 900, 1000, 1200, 1500, फिर आगे तो कोई लिमिट नहीं है, जो जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन इस रेंज में भी आपको यहाँ पर होटल्स जो है वो मिल जाते हैं। भाई साहब ये देखो यार, इतनी ठंड में कैसे हिम्मत हो रही है इन लोगों की यार नहाने की। सच में यार वो देखो, लगा दो, चलो डुबकी लगा दो। ओ बेटे तो पानी के नीचे ही चला गया, ये ले गया। देखो जैसे ये है, यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पर रूम्स है, तो जगह जगह जो है वो रूम्स अवेलेबल है, आप लोग कहीं पर भी आके ठहर सकते हैं और कम प्राइस में, और इन लोगों से आप प्राइस भी कम करवा सकते हैं। तो यार यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा सच में, जितना प्रेशर मैं बिल्कुल भी नहीं पे दे रही हूँ ना, सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पर एक चेयर लगाओ, सब खास करके वो नीचे वहाँ चेयर लगाओ और उसको निहारते रहो निहारते रहो निहारते रहो, इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस। यार गुड़िया यार, थैंक यू यार गुड़िया, बता अभी तक हम लोग शहजारा आए ही नहीं थे, घर के इतना पास होने के बाद भी ब्लॉग बनाने के लिए हम शहजारा नहीं आए। मैंने कहा यार सब लोग बना रहे हैं शहजारा पे, बहुत सारे हैं, कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ना सोचें, मतलब मैं नीचे की बात नहीं कर रही, नीचे आप इन्जॉय कर सकते, लेकिन अगर जो जिसको रियल ब्यूटी पसंद है ना, वो यहाँ पर आके इस जगह पर, खास करके जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर आ सकता है, बहुत मेरे को मतलब मुझे लगता है कि बहुत इन्जॉय करेगा, क्योंकि मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, तो जो मेरी तरह लोग होंगे वो भी बहुत इन्जॉय करेंगे ऐसी जगह को। मन नहीं कर रहा है यार जाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार, पर घर जाके आज एडिटिंग का काम पड़ा है बहुत सारा, जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग संडे को सिर्फ एक ही जगह कवर कर रहे हैं, जो कि शहजारा है। आप लोग को कैसा लगा शहजारा आकर हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जो ये पीछे गुफा है ना, यहाँ पर मैं पूरा अंदर तक जाऊँगी, लेकिन समर्स आने तो यार, वरना अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो व्यू की भी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे साथ ही रहता है, तो इसलिए समर्स में मैं यार ज़रूर आऊँगी, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है, और मैं आप लोग को भी अपने साथ लेकर आऊँगी मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। तो ब्लॉग कैसा लगा ओवरऑल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जोर से बोल यार, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगले ब्लॉग में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ बाय।